दोस्तों, यूएनएससी में बदलाव को लेकर भारत हर मंच पर काफी तेजी से बयान दे रहा है और दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी जारी है ताकि हम दुनिया भर के देशों का समर्थन जुटा सके और संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाए जाएं। लेकिन अब इसी की कड़ी में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 146वीं मीटिंग के दौरान भारत के लोकसभा स्पीकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि उन्होंने यह बयान 140 देशों के प्रतिनिधियों के सामने दिए हैं, वह भी बहरीन में हो रहे इवेंट से। दरअसल दोस्तों, भारत के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला ने बहरीन के मनामा शहर में हो रहे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग के दौरान संयुक्त राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया और ये बात खुलकर कह दी कि यूएन रिफॉर्म्स फिलहाल नीड ऑफ द आवर है और इन्हें हमेशा के लिए रोक कर नहीं रखा जा सकता। यानी आगे जाकर कभी ना कभी संयुक्त राष्ट्र में असली रिफॉर्म किए जाएंगे जिसे मौजूदा ताकतवर देश हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यूएनएससी रिफॉर्म्स को भारत के ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा भी बता दिया, जिसके तहत भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर पिछले काफी समय से काम कर रहा है। वहीं हमने गंभीर इश्यूज को भी उठाने की कोशिश की जिसमें वैश्विक अस्थिरता और जरूरी मुद्दों को सुलझाने में यूएन की नाकामी शामिल है, जिससे ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र आज के समय में कोई ज्यादा इफिशियंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और अगर इसमें अभी बदलाव नहीं किए गए तो समय के साथ यूएन का प्रभाव कम ही होता रहेगा, जो इसे ग्लोबल लेवल पर एक कमजोर और निष्क्रिय संगठन के तौर पर स्थापित कर सकता है। इसी के साथ अपने बयानों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने 140 देशों को यह भी बताया कि कैसे आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे दुनिया भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में हमें एकता और पारदर्शिता लाने की जरूरत है ताकि जरूरी वैश्विक मुद्दों का सामना एकजुट होकर किया जा सके और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव लाए जाएं और हर देश को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही एकता और डाइवर्सिटी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का महत्व जानता है, क्योंकि भारत में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ और आज कई धर्मों के लोग काफी प्यार से भारत में साथ मिलकर रहते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि विभिन्नता होने के बावजूद एकता लाई जा सकती है, जिसे बनाने में भारत के संविधान का एक काफी बड़ा हाथ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के साथ साथ शांति, स्वतंत्रता और भाईचारे को अपने मूल के तौर पर मानता है, जिसकी वजह से आज भारत में कई धर्म एक साथ मिलकर रह सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग की, तो इस मीटिंग का मेन थीम ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी था, जिसके जरिए सैकड़ों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और शांति लाने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और इसी के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र का नाम लिया और ये बात साफ कर दी कि अगर हमें ग्लोबल लेवल पर शांति चाहिए तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को भूला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यूएन रिफॉर्म्स आज सभी देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण बन चुके हैं। वहीं दोस्तों, इसी बीच अब भारत को एक बड़ी भूमिका भी मिली है। भारत संयुक्त राष्ट्र में दो बहुत ही बड़े इवेंट को होस्ट करने वाला है जो राउंड टेबल मीटिंग के जरिए किए जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत द्वारा होस्ट की जाने वाली ये दोनों ही मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी और इन्हें सीधे भारतीय परमानेंट मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में कंडक्ट किया जाएगा। बता दें कि दुनिया भर के देशों की नजरें फिलहाल भारत की इन दोनों ही मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें कुछ काफी बड़े मुद्दों को लेकर फैसले किए जा सकते हैं जिनका प्रभाव हमें हमारी आम जिंदगी पर भी देखने को मिलेगा, जिसके तहत पहली मीटिंग 13 मार्च को यूएन हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में 3 से लेकर 4:15 तक कंडक्ट की जाएगी और इसका मेन थीम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए ज्यादा एक्सेस प्रदान करना होगा, जिसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कमिटमेंट को आगे लाया जाएगा ताकि शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर की महिलाओं को ज्यादा मौका मिल सके, जो ग्लोबल लेवल पर जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही ऐसी मीटिंग को होस्ट करके भारत ने ये बात भी साफ कर दी है कि हम अब दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों में एक लीडर की भूमिका निभाएंगे, जो काफी बड़ी बात है। साथ ही अगर बात करें दूसरी मीटिंग की, तो ये मीटिंग 16 मार्च को की जाएगी, जिसमें टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। यानी कि इन दोनों ही मीटिंग में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो हर व्यक्ति के आम जीवन को प्रभावित करेंगे और दुनिया में एक अच्छा बदलाव लाने की तरफ बड़े कदम के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब न कि सिर्फ अपनी इमेज एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर रहा है, बल्कि हम संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के लिए भी फ्रंट लाइन पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं, जो आने वाले समय में यूएन रिफॉर्म्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से यूएन के परमानेंट मेंबर यूएन रिफॉर्म्स के लिए तैयार होंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।